Yo, what's up guys, Jordan Gamer here, mera naam hai Franklin, welcome back to another gameplay video of GTA 5. So guys, pichle episode mein to aap logo ne dekh hi liya hoga, new buff, super buff hum logo ne dosto Franklin ko convert kar diya tha. ये वीडियो को दोस्तों आप लोगों ने एंड तक देखना है. अभी तक आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर टिक कर लो. और गाइज, इस वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं कर तो प्लीज लाइक भी कर दो, ठीक है. फाइनली गाइज, आज की जो न्यूज सुनोगे ना तो आप लोग बिल्कुल सहम से जाओगे, मतलब बहुत ज्यादा गुड न्यूज है गाइज. यहाँ पर बाबा ने अपना पता खुद बता दिया है, ठीक है. मतलब बाबा के भाई का पता हम लोगों को मिल चुका है और वो गाइज राजी हो चुका है कि भाई चॉप और वर्सेस डेविल की दोस्तों जो है फाइट होएगी अच्छी तरीके से नॉर्थ यैंगटन में. तो गाइज, वीडियो को आप लोगों ने पूरा प्लीज एंड तक देखना है. लेकिन उससे पहले एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है गाइज. आप लोगों को पता होगा हमने दोस्तों माइकल को मिलिट्री कर्नल बना दिया था, लेकिन गाइज वो उसने जो है पावर को भाई उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज भी नहीं किया. और फाइनली गाइज माइकल ने एक चोरी और कर ली है, मानने वो जो कार को स्टील कर लिया है. और गाइज वो कार थी गवर्नमेंट फैसिलिटी की, एकदम सुपर लग्जरी कार, ठीक है. तो गाइज उसने जो है उसको स्टील करने की कोशिश की, जिससे उसका क्लिप जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है कैमरे में, और जिसके कारण गाइज जो है वो अभी पेश होने जा रहा है एक तरह से कोर्ट पे. तो गाइज अगर कोर्ट पे वो केस जो है, अगर जो प्रूफ है वो पेश कर दिया गया, तो गाइज माइकल जो है जेल में चला जाएगा. फिलहाल के लिए उसको कस्टडी के लिए ऑलरेडी जेल में लेके जाया जा चुका है. तो लेस्टर ने ये बताया कि भाई तुम लोग जो है उस कार को स्टील कर लो, जिसके कारण वहाँ हम लोग ये बोल सकेंगे कि भाई कार वहाँ पर रखी ही नहीं है, वो किसी और ने स्टील की है. तो जिसके कारण उसका जो है पूरा मिलिट्री कर्नल का जो ड्रेस वगैरह है वो भी मिल जाएगा, और साथ में वो मिलिट्री कर्नल भी बन जाएगा. तो यहाँ पर दोस्तों फ्रैंकलिन इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है. और यहाँ पर गाइज उसके पास तो फ्लैश वाली पावर भी है. आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने गॉड मोड फ्लैश पर उसे कन्वर्ट कर दिया था, जिसके कारण दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ भाग सकता है. और अभी मैं आप लोगों को एक बात और ज़्यादा बता देना चाहता हूँ गाइज. ऐसी बात है कि फ्लैश बन के हम लोगों ने ना भाई पूरा नॉर्थ यैंगटन से सफ़र तय किया था लॉस सैंटोस का, बिल्कुल समुद्र से होके हम लोग इतने ज़्यादा तेज़ थे कि गाइज पानी में भी हम लोग जो है चल सकते थे. तो यहाँ पर गाइज फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ लॉस सैंटोस गवर्नमेंट फैसिलिटी, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो. तो लॉस सैंटोस गवर्नमेंट फैसिलिटी में आने के बाद फ्रैंकलिन दोस्तों बहुत ही जल्दी से अपने स्लो मोशन से और फास्ट मोशन से सबसे दोस्तों जो है एकदम चेक कर लेगा कि कार कहाँ पर खड़ी है वो वाली. और वो कलर थी दोस्तों कार का कलर जो है वो लावा रेड कलर का है. तो चौथी से गाइस अभी जो है फ्रैंकलिन जो है बिल्कुल अंदर की तरह से घुस गया है, और यहाँ पर उसने अपना जो है सर्च मोड ऑन कर दिया है. और यहाँ पर अभी दोस्तों लगातार कार को सर्च करते जा रहा है रेड कलर, क्योंकि वो रही गाइस फाइनली आप लोग देख पा रहे हो. मतलब मुझे नहीं पता था मैं इतना ईजिली इसे ढूंढ लूँगा, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो पूरी की पूरी रेड कलर की है, कितनी ज़्यादा शानदार लग रही है. और गाइज ये कार जो है पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक कार है. और गाइज माइकल इसे इसलिए स्टील करना चाहता था, इस कार में खास बात क्या है, इस कार में खास बात ये है गाइज, सुंदर दिखने के साथ साथ ये वाली कार जो है अनब्रेकेबल है. मतलब कौन सा इसमें स्टील यूज़ किया गया मुझे भी नहीं पता, और कौन सा दोस्तों इसमें जो है मेटल यूज़ किया गया वो भी नहीं पता है. और गाइज जो ये कार है इसको कहीं से भी उठा के फेंको, जैसे कि मैं एग्जाम्पल दे के आप लोग को दिखाता हूँ. ये देखो गाइज फाइनली कितने भी ऊपर से गिरेगी गाइज इस कार को जो है खरोच तक नहीं आती है. तो ये दोस्तों माइकल जो है स्टील करना चाहता था. तो फाइनली गाइज बाबा ने बोला है कि जैसे तुम इसे स्टील कर लोगे तो फ्रैंकलिन के लिए एयरपोर्ट पे एक जेट ऑलरेडी खड़ा है, और टेलीपोर्ट करने की जो पावर है बाबा के पास वो सिर्फ दो बंदों की है, ठीक है. चाहे वो जेट ही क्यों ना हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट कैरियर ही क्यों ना हो, पूरा का पूरा टेलीपोर्ट वो सिर्फ दो चीज़ कर सकता है. तो माइकल और इस कार को दोस्तों वो टेलीपोर्ट करवा लेगा, और साथ में दोस्तों जो फ्रैंकलिन है वो जेट से जो लेस्टर ने वहाँ पे ऑलरेडी खड़ा कर रखा है हैंगर पर, उसको दोस्तों उड़ के हमें नॉर्थ यैंगटन पहुँचना पड़ेगा, ठीक है. तो फाइनली गाइज आप लोग देख पा रहे हो ये वाली कार जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, और एक भी आवाज़ नहीं कर रही है. और जैसे कि आप लोगों को पता है भाई पुलिस तो पीछे पड़ी जाती है, 4 स्टार की पुलिस पीछे पड़ चुकी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो. गवर्नमेंट फैसिलिटी से गाइज हम लोगों ने ये कार को स्टील किया है. और गाइज मैं कैसे ना कैसे करने बचने की कोशिश कर रहा हूँ अपने स्लो मोशन से, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो. ओ भाई साहब कितना बचूँ गाइज, ये लोग जो सामने सामने से ही आ जा रहे हैं, और गाइज सामने हम लोग भूख ही जा रहे हैं. लेकिन पुलिस को छुड़वाने का सबसे बेस्ट तरीका है गाइस लॉस सैंटोस में और GTA 5 में पहाड़ों में घूमते रहो. अगर आप जितना पहाड़ों में घूमो, जितना स्टंट करोगे ना पहाड़ों में, ये देखो गाइस फाइनली कितना खतरनाक स्टंट हम लोगों ने किया है. तो गाइस अगर आप लोग ऐसे स्टंट करोगे तो सीधी सी बात है कि आप लोगों से पुलिस जो है ऑटोमेटिकली हट जाएगी.
और गाइस अभी तो पुलिस फिर से लगवानी है, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस पुलिस यहाँ से हट चुकी है। और अभी तो भाई मेरे को जो है माइकल को भी छुड़वाना है जो कि अभी जेल की कस्टडी में है। तो यार अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी सीधा जाना पड़ेगा पुलिस डिपार्टमेंट, लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा और फिर से गाइस पुलिस को लगवाना पड़ेगा अपने पीछे। अभी गाइस मैंने छुड़वाई थी एक कार के लिए, तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अनब्रेकेबल कार हम लोगों ने स्टील की थी। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फाइनली गाइस ये वाली जो कार है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार है और बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करती है। कभी अगर हमें स्टीलिंग वगैरह के लिए कहीं पर खुफिया जगह में जाना पड़ा तो गाइस हम ये वाली कार को जो है यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि फाइनली जो मैं पहुंच चुका हूं यहां पर लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार बना हुआ है बीच रोड पे, ताकि कोई भी बंदा जुर्म करे उसको डायरेक्ट हम लोग पकड़ लें। तो फाइनली गाइज यहां तो मैं अपने जो है ना फुल्ली चौड़ दिखाने वाला हूं अच्छी तरीके से। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि भाई जो बाबा ना क्लोन भी भेजता है फ्रैंकलिन का, तो भाई बंदे जो है उसे गिरफ्तार करेंगे, मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। तब तक गाइज मैं अंडरग्राउंड हो जाऊंगा। सबसे पहले गाइज मैं इन सारे बंदों को मार देता हूं। अब जैसे कि आप लोगों को पता होगा बाबा ने भाई मेरे को, मैं जब बन गया था सुपर बफ, तो जिसके कारण गाइज बाबा ने ना मेरा ही क्लोन बना के मेरे को मारने के लिए भेज रखा है। तो पता नहीं यार उसने अपना पता खुद से दे दिया है, मुझे तो इसमें कोई ना कोई तो धांधली लग रही है। पर कोई नहीं, आप लोग जो बाबा है बाबा के भाई को आज देख पाओगे और वो बिल्कुल ही टकला है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को उसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल जल्दी से माइकल को, अभी ये देखो बारात में आया क्या वैसे खड़ा हुआ उधर को। और जैसे कि गाइस आप लोग देख पा रहे हो सारे के सारे बंदों को हम लोगों ने किल कर दिया है, अंदर के बंदों को। और साथ ही में ये रहा गाइस माइकल बेचारे को जेल में डाल रखा है बेफालतू में, अभी तो स्टील भी नहीं थी कार, अब कार हम लोगों ने स्टील कर ली है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फाइनली गाइस माइकल जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है मेरे साथ चलने के लिए। अभी फ्रैंकलिन दोस्तों, फ्रैंकलिन ने खासकर माइकल को दोस्तों जो है बचा लिया है और अब हम लोग सीधा निकलने वाले हैं नॉर्थ यंगटन के लिए। उसके लिए गाइस मेरे को जो है एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो पुलिस पीछे नहीं पड़ी है क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा कि बाहर के हम लोगों ने बंदे मारे। और गाइस ये क्या, जैसे कि मैंने बोला यार मतलब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ चुकी है। पिछली बार तो गाइस 4 स्टार की पुलिस पीछे पड़ी थी और लेकिन यहाँ पर दोस्तों 5 स्टार की पुलिस जो है हमारे पीछे पड़ चुकी है। तो अभी गाइस मुझे जो है एयरपोर्ट पर जाना है। और हैंगर पे दोस्तों एक बात और कर रखी है हम लोगों ने, जो डेविन वेस्टन का हैंगर है सबसे पहले गाइस मुझे जो है वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। वहाँ पर दोस्तों लेस्टर ने कुछ ना कुछ तरह से सेंसर्स लगा दिए हैं जिसके कारण आप जो है इनविजिबल दिखने लग जाओगे और पुलिस ऑटोमेटिकली हट जाएगी। तो पता नहीं गाइस मैंने ऐसे हैक्स कभी ट्राई नहीं किए हैं लेकिन गाइस लेस्टर हैक्स ये ट्राई करता रहता है। तो जल्दी से गाइस डेविन वेस्टन के अभी हैंगर में हम लोग चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं भाई कि क्या हो रखा है असली में, मतलब वहाँ पर उसने कर क्या रखा है जिससे मैं इनविजिबल दिखने लग जाऊँगा और वहाँ से पुलिस जो है हट जाएगी। फिर गाइस जो है टेलीपोर्ट कर लेंगे ये वाली कार और वो वाली माइकल को भी और साथ में गाइस मैं जो है पहुँच जाऊँगा एक तरह से अच्छी तरीके से भाई चैट लेके सीधा नॉर्थ यंगटन। वहाँ पे हम लोग फिर फाइट देखेंगे डेविल वर्सेस चॉप की। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, ओ भाई साहब आप लोग स्टंट देख पा रहे हो, तो गाइस कितना ज़्यादा खतरनाक स्टंट ये हो गया आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर। और मेरे ख्याल से भाई मैं पलटी खा के गिरूंगा, सीधा गिरूंगा, मुझे समझ में आ रहा है। फ्रैंकलिन कंट्रोल कर ले अच्छी तरीके से, 5 स्टार की पुलिस पीछे पड़ी हुई है और लेफ्ट कॉर्नर पे आप लोग देख पा रहे हो लिखा हुआ है डेविन वेस्टन। तो वही है दोस्तों डेविन वेस्टन का प्राइवेट हैंगर है गाइज वो। तो चौथी से गाइज अभी मैं ये वाली डेविन वेस्टन के हैंगर पे घुस जाता हूँ और फिर देखता हूँ भाई ये काम है, इसके जो सेंसर्स काम है वो करते हैं कि नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो सामने से पुलिस पीछे जा रही है गाइज और यहाँ पर जो है मैं बच चुका हूँ। और गाइज माइकल को पता नहीं क्या हो गया है, माइकल ड्राइवर दोस्त कर रहा है और यहाँ पर दोस्तों जो है पुलिस हट चुकी है। कितनी ज़्यादा शानदार ट्रिक्स थी गाइज ये वाली, तो ये सेंसर्स तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम के थे गाइज। फाइनली हम लोगों ने माइकल को भी बचा लिया है और साथ में दोस्तों फ्रैंकलिन को भी बचा लिया है। अब गाइस जो वो क्लोन भेजेगा तो सारी की सारी पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो उसी को ढूंढने में लग जाएगी। और गाइस फाइनली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो मैं ये वाला जो जेट लेके, इतना ज़्यादा पुराना जेट मेरे लिए रखा हुआ है यहाँ पर इसने, तो जल्दी से लेके मैं गाइस इसको उड़ता हूँ और डायरेक्ट आप लोगों को मिलता हूँ नॉर्थ यंगटन में। नॉर्थ यंगटन गाइस आप लोगों को तो पता होगा पूरा बर्फीला इलाका है गाइस, और वहीं पर दोस्तों जो है हमारा जो बाबा का ब्रदर है वहीं पर, मेरे को पहले से ही पता था गाइस कि वहीं पर है वो, लेकिन वो भाई वहाँ पर छुपा रहता है और उससे बचने के लिए पहले जितने भी क्लोन हैं उनको मारना पड़ता है, ठीक है। जो कि दोस्तों उसने फ्रैंकलिन के ही क्लोन बना लिए हैं क्योंकि गाइस जो मेरे पास पावर थी, अब बाबा भी गाइस उसमें कुछ कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो मेरे ख्याल से गाइस मेरे को डबल पावर का यूज़ करके उसको जो है किल करना पड़ेगा। तो फिलहाल दोस्तों अब जो है मैं यहाँ पर फुल स्पीड पर चला रहा हूँ गाड़ी को, मतलब अपनी प्लेन को, 500 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गाइस हम लोग मेरे ख्याल से जा पाएंगे। लेकिन ये जेट काफ़ी ज़्यादा स्लो है मेरे ख्याल से, अभी तक जो अगर वो पहला वाला जेट रखा होता
ओके, तो इसने भी गाइस 500 किलोमीटर पर आवर टच कर लिया है। तो चलो गाइस, अब बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आप लोगों का, जल्दी से गाइस मैं आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्ट नॉर्थ एंटर में, ठीक है। तो फाइनली गाइज हम लोग जो है नॉर्थ एंगटन पे बिल्कुल लैंड हो चुके हैं, और लैंड होने के बाद गाइज फ्रैंकलिन यहाँ पर जो है उतर चुका है। गाइज वो घड़ी आ चुकी है जिसमें गाइज आप लोगों को दिखने वाला है बाबा का ब्रदर, जो कि गाइज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उसी ने गाइज हमारे जो चॉप को है ईविल थैनोस में कन्वर्ट कर दिया था, और उसके बाद गाइज फ्रैंकलिन भी ईविल थैनोस में कन्वर्ट हुआ था। और उसके बाद गाइज अभी जो है जोम्बी, ओ ये रहा गाइज फाइनली वो बाबा। और अब अगर मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से, तो इसने आप गाइस अपने आसपास जो है आग रखी हुई है, और ये गंजा है गाइस। तो मेरे को इसके ख्याल से आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर फाइनली माइकल भी है, लेस्टर भी है, बाबा भी है, साथ में डेविल भी है वहाँ पर चौप उसके पास, और ये टकले से मेरे को याद आ रहा है दीपक कलाल मतलब गाइस मुझे सेम उसी की याद आ रही है। वैसे भी ये भी गंजा है, वो भी ऐसा गंजा गाइस जैसे कि आप लोग वहाँ पे देख पा रहे हो। और उसके साथ में दोस्तों जो आग निकल रही है ना, फ्लेम वगैरह, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो गाइस कितना ज़्यादा खतरनाक बाबा है ये, और बाबा का भाई भी है वो भाई साहब। इनका हेलीकॉप्टर तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और शानदार है। तो अभी जल्दी से गाइस करना क्या है यहाँ पर, अगर मैं सोचूँ एक होशियारी करके देखता हूँ गाइस, मैं यहाँ पर इसको मार के देखता हूँ, क्या पता अगर मैंने गन शॉट इसके हेड शॉट पर दे दिया। अभी इनका आई कॉन्टैक्ट मेरे ख्याल से बाबा बाबा का हो रहा है, तो जल्दी से एक गन शॉट दे देते हैं और देखते हैं गाइस कि मरता है कि नहीं मरता। तेरी ऐसे के साले इधर आ जा। तो यहाँ पर गाइस आप लोग देखो चॉप मेरी तरफ देख रहा है, और यहाँ पर गाइस मैंने इसके जो है पहला शॉट मारने की कोशिश, ओ भाई साहब कुछ नहीं हुआ क्या, हेड शॉट देता हूँ हेड शॉट। तो गाइस हेड शॉट मारने की कोशिश कर रहे हो, ओ भाई साहब हेड शॉट में भी इसको कुछ भी नहीं हुआ गाइस, ये है बाबा की पावर। चलो गाइस फाइनली यहाँ पे फाइट स्टार्ट करते हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। तो यहाँ पर डेविल वर्सेस जो है चॉप होने वाला है, लेट्स बिगिन। तो फाइनली गाइज यहाँ पर जो है फाइट को बिगिन कर दिया गया है, लेकिन गाइज आप लोगों को पता होगा ये दोनों जो है सच में सचमुच के भाई भाई हैं, चॉप एंड डेविल। तो आप लोगों को पता होगा गाइज पहले देख पा रहे हो कोई भी आगे जो है रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, लेकिन चॉप में दोस्तों जो है 2.0 वर्जन डाल दिया गया है, जिसके कारण दोस्तों डेविल को बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। लेकिन पहले सोच रहा था कि भाई मारूं कि नहीं मारूं, कि भाई मैंने इसको कहीं देखा हुआ है, लेकिन चॉप को गाइस 2.0 बना दिया गया है, जिसके कारण गाइस वो जो है लगातार डेविल को भी मारता जा रहा है। और यहाँ पर बारिश हो रही है, तो मेरे ख्याल से फेयर प्ले होना चाहिए यार, ठीक है, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या देख रहा हूँ गाइस मैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो फिर से गाइस ये लोग जो है दूर दूर जा चुके हैं, और बारिश का मतलब ये है कि चॉप जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल हो चुका है अच्छे तरीके से, और यहाँ पर वो तीन बनने वाला है अभी, ठीक है। अगर तीन बन गया तो गाइस ये फेयर प्ले नहीं होगा, और गाइस बाबा चीटिंग कर रहा है, और अगर इसने ये चीटिंग की तो भाई कोई मतलब नहीं है फिर डेविल और इसकी फाइट का। तो जल्दी से देखते हैं अभी ये करता है कि नहीं करता है। तो फाइनली गाइस इसने जो है तीन कर दिए हैं, और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो लेस्टर ने चिल्ला के वहीं पर बोल दिया कि ये तो चीटिंग है, हमें तो भाई अपना जो है डेविल प्यारा है, हमें भाई एक से ही लड़ना है। तो बाबा ने भी भाई बाबा के भाई ने जो है मान गया है। चलो यहाँ पर फेयर प्ले करते हैं, देखते हैं फिर कौन जीतता है चॉप और डेविल में से विदाउट पावर्स में। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो फाइनली गाइज आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर जो है चॉप ने भाई अपनी पावर्स को जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल, ओ ये टक्कर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, और डेविल को भाई उठने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। और ये क्या भाई बाबा की आग कहाँ चली गई, ये क्या सीन है भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये क्या सीन है गाइज भाई, यहाँ से बंदे भाग चुके हैं, ये क्या सीन है यार। तो जैसे गाइस आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर गाइस जो है बाबा भाग चुका है, और यहाँ से गाइस सारे बंदों को लेके जा चुका है। मतलब गाइस आप लोग को पता होगा माइकल वहां पर खड़ा था, तो यहाँ पर गाइस फोन कर भेज दिया तेरी ऐसे निकल यहाँ से, निकल यहाँ से भाई। और फाइनली गाइस ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा गंदा मार रहा है, और गाइस सबसे ज़्यादा डरावने वाली बात ये है कि डेविल को दोस्तों वो फिर से किडनैप करके लेके जा चुका है। तो चॉप एंड डेविल जो हमारी मेन पावर्स थी गाइस वो जा चुके हैं उसके पास, और जहाँ पर दोस्तों बाबा ने जो है मेरे को जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन यहाँ पर जो मैं बन गया था उसके लिए गाइस मैं यहाँ पर तो बन चुका हूँ, और साथ ही गाइस मेरे पास जो है हल्की भी पावर आ चुके हैं तेरी ऐसी किसी तरह साले तेरे को तो मैं उठा के फेंक दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ दूसरे क्लोन को मैं बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मार रहा हूँ। तो गाइज ये फाइट तो चलती रहेगी, लेकिन गाइज डेविल भी हमारे जो है हाथ से जा चुका है, तो इसका मेरे को काफ़ी ज़्यादा दुख है गाइज, ठीक है, कि चॉप तो पहले से हमारे हाथ से जा चुका था, लेकिन गाइज डेविल जो है वो भी यहाँ से जा चुका है, और अभी मेरे को दोस्तों से बचाना ही पड़ेगा, पता नहीं गाइज मैं कैसे बचाऊंगा। फाइनली गाइज ये मेरे को बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से मार रहा है। मिलते हैं गाइज आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना, और गाइज हम लोग बाबा को कैसे पकड़ेंगे जरूर से मुझे कमेंट करके आप लोग बता दो कमेंट करके, गाइज कैसे कैसे पकड़ सकते हैं, और डेविल भी किडनैप हो चुका है, चॉप भी किडनैप हो चुका है,